मेरी कलम की स्याही के अलग अलग रंग है, मेरी कलम की स्याही के अलग अलग रंग है, बस मुझी को दिखते हैं और मुझी को लिखते हैं, बस मुझी को दिखते हैं और मुझी को लिखते हैं। तो कहानी है, ठीक है, कहानी का टाइटल है अभी कुछ बाकी है। कभी कभी हम फैसला नहीं कर पाते कि क्या सही और क्या गलत, हम अक्सर ऐसे मौकों पर खामोशी से कहीं गुम हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहें, पर क्या वैसा होता है? शायद नहीं। कुछ यूं हुआ, मैं चला जा रहा था अनजान सड़कों पर, सुनसान सड़क, सन्नाटा भी इतना था कि पत्तियों की सरसराहट भी एक नया शोर बना रही थी। मैं अपने में ही गुम चला जा रहा था, जैसा अक्सर होता है ना कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हम कई बार सोचना पसंद करते हैं, और ये तो मेरी जिंदगी और मौत का फैसला था। मैं सोच रहा था कि क्या होगा मेरे मरने के बाद, क्या कोई मेरी याद में आंसू बहाएगा, मेरा कोई दोस्त या फिर मेरे अपने। मैं तो यहां अपने ही तलाश रहा था। बाबा शायद रोए या ना रोए, पर माँ जरूर गम में कुछ दिन आंसू बहाएगी। कुछ यही बातें सोचते सोचते मैं अपना सुसाइड नोट पढ़ने लगा। मेरे प्यारे माताजी और पिताजी, मैं यह कदम अपने पूरे होशो हवास में ले रहा हूँ। मैं अपने जीने की हर उम्मीद खो चुका हूँ। मैं अपने जीने का कोई मकसद नहीं तलाश पा रहा, जो करता हूँ गलत हो जाता है। अब बस बहुत हुआ, कितना लड़ना इस दुनिया से, अब दफन कर लूँ अपने आप को कहीं, बस यही सोच कर निकला। कई बार यह कदम उठाने का दिल किया, पर हर बार कुछ ना कुछ सोच कर इरादा वापस ले लिया। उम्मीद है ये हवा के झोंके मेरा पैगाम आप तक पहुंचा देंगे। आपका अपना वेद। इस नोट को फिर हवा में फेंक कर मैं फिर से चलने लगा। कुछ सोच रहा था कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, फिर सोचा आज फैसला हो ही जाने देते हैं। मैं उस पुल पर पहुंचा जहां से मैंने मरना तय किया था। अब मैं उस पुल के बिल्कुल बीच में था, जहां नदी सबसे गहरी होती है। अब सड़क के दोनों छोर भी साफ दिखाई पड़ रहे थे। एक बार फिर मैं वहीं सुकून से बैठ गया और दूर से आ रही सन्नाटे को चीरती हुई आवाजों को सुनने लगा। करीब रात के 11 बजे होंगे। रास्ता खराब होने के कारण यहां ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती थी। सुनसान सड़क और मैं अकेला, जैसा कहानी की किताबों में होता है। मेरी नजर घूमी तो मुझे कुछ दिखा, एक साया। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो साया मेरे इतने पास आ चुका था कि अब मैं उसे रूबरू देख पा रहा था। वह साया नहीं, एक शख्स थी। मैं और कुछ सोचता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मैं उम्मीद हूं, तुम्हारी मौत और जिंदगी के बीच में न टूटने वाली डोर, मैं वो उम्मीद हूं जिसे तुम खो चुके हो। मैंने हंसकर कहा, माफ कीजिए, आज मुझे कोई उम्मीद नहीं बचा सकती। हाँ, और आप जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं वो तो मैं कब की खो चुका हूं। वैसे अब जवाब मुझे काफी अजीब सा मिला। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जीने की ही नहीं तो मौत की ही समझो, उम्मीद तो मौत की भी होती है। मैं वहीं तक, उस मौत तक तुम्हारा साथ देने आई हूं। तुम क्या समझते हो, यहां से कूदकर अपनी जान दे दोगे, किस्सा खत्म? नहीं, फैसला वैसे अब भी तुम्हारा ही है। एक और तुम्हारा अपना परिवार, चलो परिवार की ही नहीं खुद की ही सोचो, शायद कुछ है, शायद कुछ हो जो अब भी बाकी हो। अब सोचो तुम्हारे दिल में कहीं एक जीने की आस हो जो खत्म हो चुकी हो, शायद जाग जाए। एक उम्मीद बाकी है रोशन चिरागों में अब भी, एक उम्मीद बाकी है रोशन चिरागों में अब भी, जली थी एक आस कहीं जो तब भी थी और आज भी है।
चलो एक बार फिर सोचो, क्या मिलेगा मौत से गले लगकर? इस तरह की जिंदगी का भी क्या मतलब? शायद तुम नहीं जानते हो कि मौत तो एक जश्न है, उन सारी गलतियों का जो तुमने आज तक की है। मौत तो एक जश्न है, उन सारी गलतियों का जो तुमने आज तक की है। दफन कर दो इन्हें ऐसा कि उठकर कोई जवाब न दे पाए, या फिर रोशन करो उम्मीदों के नए चिराग जो तुम्हें नए रोशन सवेरे दिखाए। हजारों ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है खामोश अंधेरों की, हजारों ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है खामोश अंधेरों की, सिर्फ एक सूरज की तलाश में। वो यहीं नहीं रुकी और बोली, सोचो क्या होगा, तुम एक ऐसी नींद सो जाओ जहां से उठना नामुमकिन, और उसी नींद में एक सपना आ जाए तो। बस इतना कहकर वो चली गई। मैं काफी सोचकर भी अभी तय नहीं कर पा रहा था कि कुछ बाकी है या कुछ नहीं। क्या पता मौत के बाद जिंदगी और बदतर होती हो या कुछ और। मैं कुछ देर वहीं जमीन पर बैठ गया, सोचता रहा अपने ही कई सारे सवालों के जवाब। शायद अब मुझे मेरा जवाब मिल गया था, और फिर मैं निकल पड़ा उस साए की तलाश में। धन्यवाद।